How are you? Hope you will be fine. So, students, we are going to continue. This is the book of maths. Yes. Are you ready for taking the lecture of maths? Today is our first lecture of math for the third term. Okay? This is for 2 class. And today we will start unit number 4. What is unit number 4? Unit number 4, I have written here in the board. Measurements, length, weight, and capacity. So, students, what is length? Have you ever listened about length? What is length? Length का मतलब होता है लंबाई. किसी भी चीज की लंबाई. For example, I have here a duster. So, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी लंबाई क्या होगी? No, अभी नहीं बता सकते. ठीक है? इसी तरह आपकी मेरे पास ये मार्कर है. ओके? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है? So, मैं आज आपको बताऊंगी कि लेंथ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं. आपको पता है हम डिफरेंट चीजें हम देखते हैं क्लासरूम में. क्लासरूम में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है. ठीक है? ये उसकी इस साइड पे उसकी लेंथ होगी. ठीक है? इसी तरह ये हमारी मैथ्स की बुक है. क्या आपको पता है इसकी लेंथ क्या है? इसी तरह आपके बुक में डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स होती हैं स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कार, दिस इज नीडल, जिराफ, अ मैन, अ मोबाइल. डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. ठीक है? लेकिन आपको नहीं पता होता कि उसकी लेंथ क्या है. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप सबके पास, यहां पर मेरे पास भी पेंसिल है. ठीक है? आप सबके पास भी पेंसिल तो होगी, आपके पास रेजर भी होगी, मेरे पास भी है. ठीक है? और ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टेपलर पिंस बॉक्स. ओके? मेरे पास ये स्टेपलर पिंस बॉक्स भी है. ठीक है स्टूडेंट्स? आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे अगर पेंसिल की लेंथ फाइंड आउट करूंगी तो हमें इसके लिए क्या चीज चाहिए होगी? हमें इसके लिए एक स्केल चाहिए होगा. आपने स्केल तो देखा है, आपके पास स्केल भी होता होगा, मौजूद होता होगा आपके बैग में. ठीक है? स्केल आपकी स्टेशनरी में शामिल है. ये मेरे पास बिग स्केल है. ठीक है? आपके पास कुछ इस टाइप का स्केल होता होगा, प्लास्टिक स्केल या फिर वुडन स्केल. ठीक है? और आपको पता है मैंने ये वाला स्केल, इस टाइप का स्केल बोर्ड पर ड्रॉ भी किया हुआ है. ठीक है? अब आपको मैं बताती हूँ कि किसी भी चीज की लेंथ को किस तरह मापा जाता है. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जिस तरह से मैंने एक स्केल बोर्ड पे ड्रॉ किया है. ठीक है? इस स्केल में आपने देखा होगा इतनी ज्यादा लाइंस भी होती हैं. ठीक है? और यहां पर नंबर्स भी राइट किए हुए होते हैं. ठीक है? और आप ये भी देखें कि स्टार्टिंग में, कभी आप स्केल को गौर से देखिएगा कि स्टार्टिंग में यहां पे राइट किया होता है सीएम. तो बेटा ये सीएम क्या होता है? ठीक है? सीएम का मीनिंग होता है सेंटीमीटर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएम? सेंटीमीटर्स. दिस इज द मीनिंग ऑफ सीएम. ठीक है? इस सेंटीमीटर्स को हम इन शॉर्ट सीएम राइट कर देते हैं. ठीक है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस बोर्ड मार्कर की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है? बोर्ड मार्कर को हम यहां पर जीरो पे रखते हैं. दिस इज जीरो, दिस इज वन, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट थ्री. अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितना भी बड़ा है या जितना भी छोटा है तो हमें पता चल जाता है स्केल के मदद से कि वो किस उसकी लेंथ क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हम इसे जीरो पे रखते हैं. लुक एट द बोर्ड मार्कर. ये देखें बेटा, यहां पे हमने नहीं रखना. अगर हम, ये पेंसिल है, अगर हम इस पेंसिल को स्केल के बिल्कुल साइड पर रखते हैं तो दिस इज रॉन्ग. हमने जीरो से स्टार्ट लेना है. ये है जीरो. ये देखें, मैंने यहां पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लिया. ठीक है?
ये है जीरो, और ये जिस तरह से इसकी लेंथ ये देखिए वन है, 1 सेंटीमीटर से पेंसिल हमारी बड़ी है, ठीक है। इसके बाद ये 2 आता है, 2 से भी हमारी पेंसिल बड़ी है, और ये राउंड अबाउट 3 और 2 के दरमियान में आती है। मतलब के इसका मीनिंग हुआ कि यहां तक हमारी पेंसिल आती है। ये देखिए अगर हमारी पेंसिल इतनी है तो ये हमारी पेंसिल 2.5 बेटा, 2.5 हाफ ऐसे होता है, हमारी पेंसिल है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अगर हमारे पास ये मैच, ये एक बॉक्स है, ठीक है, अगर हम इसे यहां रखते हैं 0 से 1 तक, तो इसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। बेटा अगर हम यहां रख देते हैं तो दिस इज रॉन्ग। हमने स्टार्ट कहां से लेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमने 0 से स्टार्ट लेना है और हमने इसकी लेंथ देखनी है कि कहां तक आती है। ये देखेंगे जस्ट 1 तक आती है, तो इसकी लेंथ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह ये था बोर्ड, ठीक है, बोर्ड पे मैंने आपको समझाया, जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आता है तो उसकी लेंथ होती है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। इसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आता है तो इट्स मीन कि उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर हो गई। इसी तरह जब यहां तक आएगा 3 तक तो उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर हो गई। तो दिस इज द वेरी इजी वे, ओके, हम इस तरह से किसी भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता दूं कि आपके स्केल में, मेरे आपके पास अगर इस टाइप का स्केल है बेटा, तो इसमें सेंटीमीटर, ये देखिए इस साइड पे नहीं देखना, जिस साइड पे ये सेंटीमीटर होता है ना, इस साइड पे देखना है, यहाँ पे राइट होता है सेंटीमीटर। यहां पे स्केल में 0 से लेकर 30 सेंटीमीटर दिए हुए, इट्स मीन कि हम अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ 30 सेंटीमीटर से छोटा है, या स्केल जितना है, या इतना है, इतना है इसके साइज का है, या इससे छोटा है, तो वो हम इस स्केल से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो हम उसे स्केल से मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बिग वन स्केल लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बिग वन स्केल है, ओके, तो ये देखिएगा ये स्केल है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर राइट किया हुआ है, सीएम, हमने इस साइड से नहीं देखना, हमने ये जहां पे सेंटीमीटर राइट किया, यहां से पैमाइश मेजरमेंट स्टार्ट करनी, ओके। ये देखिए मेरे पास बिग वन स्केल है, अगर मेरे पास कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो मैं इस बिग स्केल के साथ उसको मेजर कर सकती हूँ, ओके। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इससे भी बड़ा कोई स्केल है, अगर इससे भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसे बिग, इससे भी ज्यादा बिग वन स्केल से साथ मेजर कर सकते हैं, और ये देखिए मेरे पास इससे बड़ा स्केल भी है, ठीक है, ये है फुल 100 सेंटीमीटर, इसमें आते हैं 100 सेंटीमीटर। ये देखिए इस स्केल में जस्ट 30 सेंटीमीटर थे और इस स्केल में 61 सेंटीमीटर थे, आप देख सकते हैं, ये देखिएगा 61 सेंटीमीटर, बट नाउ वी हैव दिस बिगर वन, इसमें हमारे पास 100 सेंटीमीटर, 99 के बाद यहां तक 100 हो जाते हैं, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 100 सेंटीमीटर की चीज, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो हम उसे इसके साथ मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर पेंसिल है, हम इसे दोबारा से एक बार मेजर करते हैं कि इसे कैसे मेजर करना है। हमने इस पेंसिल को यहां 0 से स्टार्ट करना है, अगर हम यहां पे 0 से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए यहां पे बिल्कुल, और ये पेंसिल हमारे पास आई 19 सेंटीमीटर की, वाओ वी हैव मेजर, ठीक है। इसी के साथ अगर हम इस रेजर को मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये रेजर यहां पे हमने 0 से यहां से स्टार्ट लिया, बिल्कुल इसका बिल्कुल ये वाला साइड इसके बराबर होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट किया, ओ वाओ दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, इट्स मीन दिस रेजर इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसी तरह ये बॉक्स है, हमने इसको इसी तरह से सेम यहां रखा, 0 से स्टार्ट लिया, और दिस इज हाउ मच लॉन्ग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, दिस इज द 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो
कि अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि किसी भी चीज की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमने अगेन मैं बता देती हूँ कि हमने यहाँ जीरो से स्टार्ट लेना है और उसको करते जाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे वन यहाँ है और इसके जीरो और वन के दरमियान में भी एक लॉन्ग वाली लाइन है, वहां पर जो लॉन्ग वाली है ना वो उसका वन और जीरो का जो होता है वो मिड होता है, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये देखिएगा कि यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू सेंटीमीटर है, यहाँ पे थ्री सेंटीमीटर होता है। इसी तरह जितनी भी कोई ऑब्जेक्ट लॉन्ग होता है तो वो उसकी लेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाती है। आपकी बुक में फर्स्ट जो है, एक चीज मैं आपको बेटा और बता दूं, आपकी बुक में जो गिवन है वो ये कि अगर आपके पास वन सेंटीमीटर, आपके पास सेंटीमीटर है, मैंने आपको सेंटीमीटर का बता दिया, ठीक है। इसके अलावा एक मेजरमेंट यूनिट और होता है, उसको कहते हैं मीटर, ठीक है। इसका मीनिंग तो होता है ना सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है मीटर। मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं और सेंटीमीटर को हम सी एम से डिनोट करते हैं, लेकिन आपको पता है इन दोनों में से छोटा कौन सा होता है? नहीं पता, चले मैं आज आपको बताती हूं कि जो सेंटीमीटर होता है वो सिर्फ इतना सा होता है, उसका साइज बिल्कुल छोटा सा होता है। जैसे कि अब आपको मैं स्केल दिखा रही हूं, अब आप ये देखिएगा यहां से यहां तक सिर्फ इतना सा, बिल्कुल इतना सा होता है सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम 100 सेंटीमीटर मिलाएं, इस तरह के 100 सेंटीमीटर यूं 1 2 3 4 5 छोटे 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 सेंटीमीटर होते हैं, और अगर वो सेंटीमीटर 100 हो जाए, इस तरह से 100 सेंटीमीटर हो जाए तो जाकर एक मीटर बनता है, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल देती हूँ, इस स्केल के साथ हमारे इस स्केल में 100 सेंटीमीटर मौजूद है, ऐसे ही है ना, ये देखें 1 2 3 ये सारे राइट किया है यहाँ पे और एंड तक 100 बनता है। मतलब ये कि ये स्केल एक मीटर का है, कितने मीटर का है ये स्केल, 1 मीटर। 100 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, अंडरस्टैंड। जब हमारे पास इतने छोटे 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 सेंटीमीटर मिला के 100 हो जाते हैं तो फिर वो एक मीटर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह जब 100 जो है वो 1 मीटर के इक्वल होता है तो फिर 200 कितने मीटर के इक्वल होगा, एग्जैक्टली 200। जरा थिंक करें कि कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 2 मीटर के इक्वल होगा। आप में से बहुत से बच्चों ने सही आंसर सोचा होगा, मुझे आपने बताना है कमेंट में, ठीक है, कि आपका आंसर ठीक था या नहीं था, कि इनका ठीक था। इसी तरह 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, अगर हम 300 सेंटीमीटर करें तो वो कितने मीटर के इक्वल होगा, यस 3 मीटर के, ओके। इसी तरह अगर हम 900 पे आते हैं, 900 सेंटीमीटर, तो वो कितने के इक्वल होगा, ऑब्वियसली 9 मीटर के, ठीक है। ये तो था आपका मीटर और सेंटीमीटर के बारे में मैंने आपको बताना था, वो आपको होप्सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है और हमने हमारा जो सेंटीमीटर होता है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे तो वो पूरा मीटर बनेगा, ठीक है। तो वो है 100 सेंटीमीटर अगर एक मीटर होंगे, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है हम उसकी तरफ आते हैं बेटा। बुक में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर आपका है 74। ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 1, बहुत अच्छी अच्छी सी ऑब्जेक्ट्स आपकी बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि आपका टॉपिक लेंथ का है तो ये सारे स्केल्स नजर आ रहे हैं आपको, रूलर या फिर स्केल सेम होता है, ठीक है। अब ये कार है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपको बच्चों ये तो पता चल गया कि अब सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से हम अगर छोटी सी चीज को, किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को, जैसे ये रेजर है, इसको हमने इसको मेजर करना है या हमने इस डस्टर को मेजर करना है तो हमने सेंटीमीटर में आंसर आएगा, आंसर किस में आएगा, क्योंकि छोटा है और छोटा ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए आंसर हमारा सेंटीमीटर में आता है, ठीक है। और अगर हमने किसी बड़ी सी चीज को मेजर करना है, जैसे कि कार आपके सामने ये, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए ऑब्वियसली आंसर मीटर में आएगा।
आपका एक जो है आपके स्कूल की जो बाउंड्री वॉल है, अगर आप उसको मेजर करती हैं तो उसका आंसर ऑब्वियसली सेंटीमीटर में नहीं आएगा, उसका आंसर तो आप मीटर में भी फाइंड आउट करोगे ना, या तो सेंटीमीटर में करोगे या मीटर सेंटीमीटर में करोगे, तो वो छोटे छोटे सेंटीमीटर कितना आप ज्यादा कर सकते हो, अगर आप मीटर में करोगे तो बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इसी तरह आपने अब मुझे ये बताना है कि ये कार है, इसका आंसर हम किस में राइट करेंगे जब हम इसे मेजर करेंगे, ये कोई छोटी सी तो चीज नहीं होती है, तो बड़ी होती है, तो इसको हमने इसका आंसर ऑब्वियसली मीटर में आएगा। ये देखिएगा, विल यू यूज मीटर और सेंटीमीटर, मैंने यहां पे राइट किया हुआ है, विल यू यूज मीटर और सेंटीमीटर। अब आप इसको कार को मेजर करने के लिए ऑब्वियसली इस तरह का एक मीटर लेंगे ताकि वो जल्दी मेजरमेंट हो जाए। इसी तरह अगर मैं इस बोर्ड की लेंथ लेती हूं, अगर मैंने इस पूरे बोर्ड को मेजर करना है, तो बेटा अगर मैं देखें, अगर मैं इस छोटे से स्केल के साथ इसको मेजर करती हूँ, तो मैं ऐसे मेजर करूंगी ऐसे, तो ये तो पूरा ही नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको मेजर करती हूँ एक मीटर के साथ, तो मैं जल्दी से फाइंड आउट करूंगी कि ये इतना ज्यादा, ठीक है, एक यहां तक है तो फिर दूसरा यहाँ है, इसमें ये 2 मीटर और थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसीलिए अगर किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को हमने मेजर करना है तो वो मीटर के साथ ही करना है। अब कार को किससे मेजर करेंगे? मीटर से। मैं आंसर यहां राइट कर देती हूं, द लेंथ ऑफ कार, उसका आंसर क्या है? मीटर। मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं। इसी तरह लेंथ ऑफ नीडल, बेटा ये देखिए नीडल है, सुई जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, वो तो छोटी सी होती है और जाहिर है उसका आंसर आपका मीटर में तो नहीं आएगा, वो तो सेंटीमीटर में, इतना सा होता है तो वो सेंटीमीटर में आएगा। हम यहां पे राइट करते हैं सी एम, हाइट ऑफ जिराफ, ये देखिए आपके बुक में बना हुआ है। अब जिराफ तो बहुत, उसकी हाइट होती है, वो ऑब्वियसली मीटर में आएगा। इसी तरह हाइट ऑफ अ टीचर, देखिए टीचर तो आपसे काफी हाइट उनकी होती है ना, टीचर की, तो उनकी हाइट, टीचर की, किसी टीचर की हाइट करने के लिए आपको सेंटीमीटर, इतने इतने सेंटीमीटर की जरूरत नहीं होती, आपको उसके लिए मीटर की जरूरत होगी। ओके, इसी तरह हाइट ऑफ मोबाइल, मोबाइल फोन की, मोबाइल आपके पास इतना होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए हमें इस लॉन्ग मीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मेजर करने के लिए आपके पास सिर्फ सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह लेंथ ऑफ क्रेयॉन, वो भी बहुत छोटा होता है, ये देखिए क्रेयॉन, इसको भी हम यहाँ पे राइट करेंगे सेंटीमीटर में। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 2, लुक एट द पिक्चर से, बेटा आपकी बुक आपकी ओपन होनी चाहिए इस वक्त, और आपकी बुक पर आप अपनी एक्सरसाइज 2 में देखें कि आपके पास ये स्केल ड्रॉ किया हुआ है बिल्कुल वैसे जैसे मैंने ड्रॉ किया था। आपको ये लाइंस भी लगाएंगे, देखिए यहां से यहां तक नेल फाइल है, ये नेल फाइल जो होता है इसको बताया हुआ है कि ये 5 से स्टार्ट हो रहे, उसके बाद ये कहां तक जा रहे हैं? 15 तक। तो जब हम इसे काउंट करेंगे, देखें इसको हम काउंट करते हैं, ये हो गया 5 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए ये 10 इसमें सेंटीमीटर आ जाते हैं, ठीक है, इसमें आ जाती है 10 सेंटीमीटर, इट्स मीन के ये 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया 10 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने ये नेक्स्ट भी ऑब्जेक्ट्स की लेंथ जो है वो हम खुद फाइंड आउट, आप खुद फाइंड आउट कर सकती हो, और ये मैं अब आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, मेरे पास तो आंसर लिखे हुए हैं लेकिन आपने नहीं देखने, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, मेजर द लेंथ ईच टॉर्टवाइज। यहां पे तो टॉर्टवाइज नजर आ रहे हैं, और ये टॉर्टोइज जो है मुझे लगता है कि ये टॉर्टोइज इस ट्री के नीचे थे, और इस ट्री से चलते 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 यहां तक ही आ गया, ये वाला टॉर्टोइज यहां तक पहुंचा, ये यहां तक और ये यहां तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि ये टॉर्टोइज इनमें से कौन सा टॉर्टोइज जो था वो सबसे ज्यादा आगे तक आया, सबसे ज्यादा वो लेंथ में आया, ठीक है, उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। ये देखें, अब मैंने स्केल के साथ इसको फाइंड आउट किया बेटा, ऐसे मैं आपको करके बता देती हूँ, ये देखिएगा, ये 0 से स्टार्ट करना है हमने इसको,
अगर हम इसको यहाँ इस लाइन को जीरो से स्टार्ट करते हैं तो ये बनता है 7 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो बेटा 1 2 3 4 5 6 6 और ये 7, ये 7 आया, तो मैंने यहाँ पे राइट किया 7। इसी तरह मैंने इन सब की लेंथ फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है। ये देखें ये 6 आया, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से मैंने अभी भी राइट फाइंड आउट कर लिए, ये 7 सेंटीमीटर आगे आया, ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन सब उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है विच टॉर्टोइस वॉक्ड 7 मीटर। अब हमें तो सारा पता है, आपने अगर इसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली जैसे कि मैंने आपको बताया और आपने इसमें राइट कर लिया, तो बेटा आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। कुछ भी पूछे वो बुक में जो भी क्वेश्चन होता है, हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट हैं, वो इनका आंसर इजीली दे सकते हैं। विच टॉर्टोइस वॉक्ड 7 मीटर, देखिए 7 मीटर में से कौन सा है, मोंटी। आई हैव रिटन हियर मोंटी, क्योंकि मोंटी ने 7 मीटर डिस्टेंस तय किया। चलिए अब हम इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला देख लेते हैं, ठीक है। विच टॉर्टोइस वॉक्ड ट्वाइस द डिस्टेंस एज ब्रॉन। बेटा ट्वाइस किसे बोलते हैं, ट्वाइस होता है दो गुण, डबल। अब देखें, अब कौन सा टॉर्टोइस था जिसने ब्राउनी से डबल डिस्टेंस तय किया। अब ब्राउनी कौन सा है, देखिए ब्राउनी है ये, ठीक है। इसका डबल क्या होगा, 3 का डबल कितना होगा, सोचे, यस 6, यस। तो 6 सेंटीमीटर किसने डिस्टेंस तय किया, शैली ने, बिल्कुल। मैंने यहाँ पे शैली राइट कर दिया, ओके। ये बेटा मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे भी आपके राइट किए हैं, एक्सरसाइज 3 में विच टॉर्टोइस वॉक्ड 7 मीटर, वो था मोंटी, ओके। इस तरह विच मैंने अभी आपको क्वेश्चन ये वाला समझाया है, विच टॉर्टोइस वॉक्ड Twice the distance as Brownie. तो Brownie ने 3 किया था और किसने डबल किया था, डबल क्या होता है, 3 का डबल होता है 6, तो 6 किसने किया था, शैली। हम यहाँ पे राइट करते हैं शैली, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी मैंने राइट किया हुआ है, थर्ड वाला, विच टॉर्टोइस वॉक्ड 1 मीटर मोर देन शैली। अच्छा 1 सेंटीमीटर मोर देन शैली, किस ने जो है वो, विच टॉर्टोइस, कौन सा ऐसा टॉर्टोइस था जिसने शैली से भी एक ज्यादा किया। तो ऑब्वियसली शैली से एक ज्यादा किसने किया, 7 वाले ने, मोंटी ने। अगेन आंसर इज मोंटी, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 4। ये क्या है, व्हाट इज एक्सरसाइज नंबर 4, ड्रॉ लाइन ऑफ दीज लेंथ एंड राइट द मेजरमेंट्स। बेटा हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, देखिए बुक पे लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर और हमने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। अगर बच्चों आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो हम कैसे करेंगे, ये देखें ये सेंटीमीटर है ना, तो हम इसको रखेंगे ऐसे एंड दिस इज जीरो। हम इसे कैसे करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और जाएगा ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 एंड ये 4। तो हम इसकी लाइन यहां से यहां तक ड्रॉ करेंगे। मेरे पास जो है वो है व्हाइट बोर्ड, जब आप अपनी नोटबुक पे करेंगे ना लेड पेंसिल से, तो लेड पेंसिल से जब आप करेंगे तो आपकी 4 सेंटीमीटर की लाइन काफी बड़ी फील होगी आपको। और हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी आपने लाइंस ड्रॉ करनी है या आपने किसी भी चीज की मेजरमेंट करनी है तो बेटा आपकी पेंसिल की नोक बिल्कुल शॉर्प होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें ये लाइन मैंने जो ड्रॉ की है ये 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। आप मेरी क्योंकि बोर्ड मार्कर है और बोर्ड मार्कर की जो है उसकी टिप बहुत ज्यादा शार्प नहीं होती, इसलिए आपको फील हो रहा है कि ये लाइन छोटी है। जब आप पेंसिल से अपने नोटबुक पे करेंगे तो आपकी लाइन को बिग वन फील होगी, ठीक है। इसी तरह जब नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर, इसी तरह आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ऐसे स्केल रखा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे पहले भी स्केल ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप हम इस स्केल को देखते हैं, अगर हमने लाइन ड्रॉ करनी है, अगर हमने लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर की अगर हमने लाइन ड्रॉ करनी है तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए, जीरो से स्टार्ट लेंगे और 5 तक आएंगे। तो क्या करेंगे हम, इस तरह से स्केल नीचे रखा और हमने यू लाइन स्केल के साथ साथ ड्रॉ कर ली, ए यू, ठीक है। तो ये हमारी लाइन जो हो गई यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर की हो गई। हम यहां राइट कर देंगे कि ये लाइन 5 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग, बेटा ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स है, हैरी इज 97 सेंटीमीटर टॉल, हिज फादर इज 80 सेंटीमीटर टॉलर, फादर हाइट, फादर की हाइट मालूम करनी है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सेंटीमीटर को प्लस कैसे करना है, सेंटीमीटर्स में उनको प्लस और माइनस और सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप इस एक्सरसाइज में सिर्फ प्लस और माइनस ही सीखोगे। यहाँ पे है हैरी की हाइट, मैं आपको बोर्ड पर राइट कर देती हूँ क्वेश्चन एक और फिर मैं आपको समझाती हूँ। His father, is 80 centimeter taller. Father's height. अब देखिए फादर की हाइट हमने मालूम करनी है। हैरी की हाइट है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, टॉल है ना वो 97 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है। उसने मुझे बता दिया कि हैरी की हाइट जो है वो 97 मीटर टॉल है, हिज फादर इज 80 सेंटीमीटर टॉलर, ठीक है। अब अगर हम His father is 80 सेंटीमीटर taller, ठीक है। अब देखिए हैरी की हाइट 97 है और इसकी हाइट जो है वो 80 सेंटीमीटर है, तो हम दोनों की हाइट मिलाएंगे तो फिर पता चलेगा ना क्या है फादर्स की हाइट। ठीक है, हैरी इज 97 मीटर टॉल, हिज फादर इज 80 सेंटीमीटर taller, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो फादर हैं वो हैरी से भी 80 सेंटीमीटर ज्यादा हैं, उनकी हाइट हैरी की हाइट से भी 80 सेंटीमीटर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हैरी, ओके, और इसकी हाइट है 97 और जो फादर है उनकी हाइट है इतनी, ठीक है। 97 तो है ही है ना उनकी हाइट, उसके बाद ये वाली हाइट उनकी एक्स्ट्रा है, मतलब फादर की हाइट हैरी की हाइट से 80 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों यहां तक कितना हुआ 97, हम दोनों की हाइट को इन इसको और इसको प्लस करेंगे। जब हम इसे प्लस करेंगे, देखिए 80 और 97 हम ऐसे राइट करते हैं, जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो आपको पता है 7 में जब 0 ऐड होता है तो 7 होता है, 8 में जब 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17। तो हम यहाँ पे इजीली राइट कर सकते हैं 777। तो फादर्स की हाइट, फादर की हाइट है 177 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये रिमेनिंग पार्ट्स जो है ना वो आपने खुद करने हैं सॉल्व, ठीक है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। आपका होमवर्क है सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1 टू एक्सरसाइज नंबर 5 फ्रॉम यूनिट नंबर 4, ये आपका होमवर्क है। और आपका होमवर्क ये है कि अपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, कोई रिमेनिंग पार्ट नहीं करने हैं, जितनी एक्सरसाइजेस मैंने करवाई हैं वो सारी आपने कंप्लीट करनी है।
जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। अब आपने अपने घर में कोई भी, आपको जो भी चीजें नजर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आपको टेबल नजर आ रहा है, तो बेटा आपने यूं करके टेबल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपके पास घर में स्केल तो होगा ना, ये देखिए इस तरह से आपने टेबल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास रेजर है, आपने रेजर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई सी 10 ऑब्जेक्ट्स की जो है ना, आपने लेंथ को मेजर करना है। और फिर आप जो है ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इससे आगे बताएंगे कि वेट को कैसे मेजर करना है, कैपेसिटी को कैसे करना है, वो सारा आपको मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस घर में जरूर करोगे, और मुझे आपने फीडबैक भी देना है बेटा। नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, अब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।